सो हमने अभी तक डिस्पर्शन ऑफ लाइट को बहुत डिटेल में सीख लिया है। हमने ये देख लिया कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम दिखता है वो किस वजह से दिखता है और किस तरह का दिखता है। नाउ नेक्स्ट, जो लाइट के साथ प्रॉपर्टी है, लाइट की एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट का किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के बिखर जाना, इधर उधर डायरेक्शंस में मूव कर जाना, दैट इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे कि अगर मैं बात करूं पानी की, वाटर, लेट्स से एक नदी में ऐसा पानी बह रहा है, एक ऐसा फ्लो में पानी बह रहा है, और नदी में जो पानी बह रहा है, नदी कोई बहुत ज्यादा चौड़ी नदी नहीं है, लेट से इतनी स्ट्रीम है, इतनी सी स्ट्रीम है, और ऐसा पानी बह रहा है। आपने सामने एक ऑब्स्टिकल उसके रख दिया, एक बड़ा ऑब्स्टिकल सामने रख दिया जो पूरी तरह से उस नदी को कवर कर लेता है, इस स्ट्रीम को पूरा कवर कर ले, इतना बड़ा एक ऑब्स्टिकल आपने रख दिया, तो क्या होगा? तो जो पानी आगे की तरफ बह रहा है वो उस ऑब्स्टिकल से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ऐसा टकराएगा और पीछे आ जाएगा, फिर टकराएगा फिर पीछे आ जाएगा, और टकरा के पीछे आएगा, बार बार ऐसा होगा, और पानी इसी डायरेक्शन में वापस निकलने लगेगा, टकराया और रुक गया। तो ये जो चीज हुई, ये जो फिनोमिना हुआ, दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्शन। यहां पे पानी के सामने एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल था और उस ऑब्स्टिकल से पानी का रिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन अगर आप उस स्ट्रीम में वो बड़े ऑब्स्टिकल की जगह एक छोटा सा पत्थर रख दो, एक छोटा सा पेबल उसमें डाल दो, तो जब आप पेबल डालेंगे यू विल फाइंड कि पानी फ्लो जिस डायरेक्शन में हो रहा है वो फ्लो तो उसी डायरेक्शन में होता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, लेकिन उस पेबल से टकराने पे कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स इधर उधर उछल जाएंगे, इधर उधर डायरेक्शन में हो जाएंगे, लेकिन पानी का जो फ्लो है वो तो सीधी डायरेक्शन में ही रहेगा, वो फ्लो की डायरेक्शन नहीं बदलेगी, बस कुछ पार्टिकल्स, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स इधर उधर बिखर जाएंगे। तो ये जो चीज यहां पे पेबल की वजह से हुई, दिस इज नोन एज स्कैटरिंग। ये चीज है बिखरना, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्ट होना और बिखरना दो अलग अलग फिनोमिना है। लेट्स से हम मानते हैं कि एक बंच ऑफ लाइट रे कुछ इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, इट इज ट्रैवलिंग समथिंग लाइक दिस। और ये जो बंच ऑफ लाइट रे ट्रैवल कर रहा है, इसके सामने मैंने एक फुटबॉल रख दी, इसके सामने मैंने एक इतनी बड़ी फुटबॉल रख दी, तो क्या होगा? तो ये लाइट रेस इस फुटबॉल से स्ट्राइक करेंगी और रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कुछ इस तरह से। ये लाइट रेस, जो बंच ऑफ लाइट रे है, ये इस पे स्ट्राइक करके इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो ये जो स्ट्राइक करके पूरी बंच का पाथ बदल गया, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। क्यों? बिकॉज यहां पे जो लाइट का बंच आ रहा था, पूरा बंच ही चेंज हो गया, पूरे बंच का ही जो डायरेक्शन है वो बदल गया, सो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ये कहलाएगा रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर इसी बंच की मैं वापस से बात करूं, ये ऐसा बंच ऑफ लाइट रेज है, जरूरी नहीं कि ये सभी लाइट रेज इक्विडिस्टेंट हो सकता है ये कुछ लाइट रे पास में हैं, कुछ लाइट रेज दूर हैं, दीज आर वेव्स, लाइट रेज, वेव्स, वो क्या होता है वो आप बड़ी क्लासेस में सीखेंगे, अभी जस्ट हम मान लेते हैं कि ये लाइट की रेज है जो कि वेव्स नेचर, जिनके पास वेव नेचर भी है, ये हमें दिख रही है ऐसा सीधा जाते हुए, लेकिन ये ऐसा जा रही है, ऐसा, यू लाइक दिस, ओके? सो ये दिखने में स्ट्रेट लाइन में जाती हुई दिखती है,
तो इस बंच के सामने हम मानते हैं कि इस बार फुटबॉल की जगह एक डस्ट का पार्टिकल आ गया। इस बार इस फुटबॉल की जगह एक डस्ट पार्टिकल आ गया। डस्ट पार्टिकल फुटबॉल के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू अ फुटबॉल। तो हम देखेंगे कि जैसे ही ये डस्ट पार्टिकल इस लाइट के बीच में आएगा, लाइट की बाकी की रेस तो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएंगी, लेकिन एक दो रेस इस डस्ट पार्टिकल से टकरा के रिफ्लेक्ट होंगी और इधर उधर बिखर जाएंगी। लेट्स से एक रे और ऐसी आ रही थी जो कि कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसा इस पार्टिकल से टकराएगी और ऐसा बिखर जाएगी, कुछ इस तरह से। इक्के दुक्के कुछ सिलेक्टेड रेस, वेरी फ्यू रेस, बहुत कम रेस जो हैं इस बंच की, वो इस डस्ट पार्टिकल से टकरा के इधर उधर बिखर जाएंगे। तो हम कहेंगे कि जो पूरा बंच है, जो लाइट का पूरा बंच है, उसकी डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आया, बंच एज इट इज आगे बढ़ रहा है, इस तरह से ऐसा आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक दो रेस इस डस्ट पार्टिकल से टकरा के इधर उधर डेविएट हो गई, बिखर गई। तो इस फेनोमेना को हम कहेंगे स्कैटरिंग। ओके, तो रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग में डिफरेंस क्या है? रिफ्लेक्शन के केस में मैक्सिमम रेज विल गेट रिफ्लेक्टेड, और यहां पे वेरी फ्यू रेस विल गेट रिफ्लेक्टेड। यहां पे ज्यादा रेज रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, लेकिन रिफ्लेक्शन के केस में मैक्सिमम रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन में सिर्फ यही अंतर है। अब ये अंतर क्रिएट कैसे हुआ, ये डिफरेंस बना कैसे? ये डिफरेंस बना बिकॉज ऑफ दिस, फुटबॉल की वजह से नहीं, इस पार्टिकल की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस। अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों के साइज में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। इसका साइज बहुत छोटा है, इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे सबसे पहले स्कैटरिंग को ऑब्जर्व किया लॉर्ड रेलिग ने। लॉर्ड रेलिग एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले स्कैटरिंग को ऑब्जर्व किया, इस स्कैटरिंग को समझा कि बेसिकली ये क्या है, क्यों है, कैसे हो रही है, ये सारी डिटेल्स को इन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी किया। और इन्होंने एक फिनोमिना दिया, एक प्रिंसिपल दिया जिसे कहते हैं रेलिग स्कैटरिंग। इन्होंने एक फिनोमिना दिया दैट इज नोन एज रेलिग स्कैटरिंग। रेलिग स्कैटरिंग में इन्होंने कहा, रेलिग स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई एस इज प्रपोर्शनल टू 1/4 लैम्डा बाय, वेयर आई एस इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट एंड लैम्डा इज बेसिकली वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट। इन्होंने ऐसा कहा। तो हम इसको पहले समझते हैं कि ये आई एस इज इक्वल्स टू इज प्रपोर्शनल टू 1/4 लैम्डा/4 क्या चीज बताता है। सबसे पहले बात करते हैं इस शब्द की, आई एस दैट इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। व्हाट इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बेसिकली क्या चीज है?
तो इंटेंसिटी समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं मून और टॉर्च का। मून जो है, मून का साइज बहुत बड़ा है, मून से लाइट आती है। हम ये अभी इस वक्त ये कंसिडर नहीं कर रहे कि मून पे सन की लाइट गिरती है और फिर वो रिफ्लेक्ट होके आती है, मून के पास खुद की कोई लाइट नहीं है, इस फिनोमिना को हम नहीं देख रहे। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हमें जो लाइट मिल रही है वो दिख रही है कि मून से आ रही है, तो वी विल से कि मून की लाइट आ रही है। सिंपल, ये जो लाइट आ रही है वो मून की। अब मून से लाइट आ रही है और टॉर्च से लाइट आ रही है। आप ये देखेंगे कि टॉर्च जब मैं आपकी आंखों के सामने ऐसा कर दूं तो थोड़ी देर में आपकी आंखों में दर्द होने लगेगा और आप कहोगे कि नहीं, रोशनी बहुत तेज है, जो टॉर्च से लाइट आ रही है वो बहुत तेज है और आपको आंखों में चुभ रही है। लेकिन वहीं आप मून की तरफ जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि मून को आप बहुत समय तक, लंबे समय तक देख सकते हैं। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मून की रोशनी जो है वो बहुत तेज है, वो आपको आंखों में चुभ रही है, ऐसा नहीं लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ऐसा क्या, इस बेसिस पे क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मून के पास रोशनी कम है और टॉर्च के पास रोशनी ज्यादा है, इसीलिए मून की लाइट नहीं चुभती और टॉर्च की चुभती है? क्या हम ऐसा कहेंगे कि मून के पास कम एनर्जी है, जो लाइट है उसके पास कम एनर्जी है और टॉर्च के पास ज्यादा एनर्जी है? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज मून का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। मून इज अ जायंट ऑब्जेक्ट, दिस इज सेलेस्टियल बॉडी है वो, एक मून है, वो एक सैटेलाइट है, वो अर्थ का सैटेलाइट है। सो ऑब्वियस सी बात है उसका साइज बहुत बड़ा है, तो उससे आने वाली जो लाइट है उस लाइट में भी बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा पावरफुल है वो लाइट, और बहुत ज्यादा मात्रा में मून से लाइट आती है। लेकिन फिर भी मून से आने वाली लाइट हमें आंखों में नहीं चुभती, टॉर्च से आने वाली लाइट आंखों में चुभती है। लेकिन हम कहेंगे कि मून के पास ज्यादा एनर्जी है और टॉर्च के पास एनर्जी कम है, फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि मून से आने वाली लाइट नहीं चुभ रही, टॉर्च से आने वाली लाइट चुभ रही है? तो वी विल से कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम टॉर्च इज मोर देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम मून। मून से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है और इंटेंसिटी कम है, और टॉर्च से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है। तो जिस लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है वो हमारी आईज में चुभ रही है, भले ही टॉर्च के पास कम एनर्जी है और मून के पास ज्यादा एनर्जी है, लेकिन फिर भी टॉर्च की लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है और मून की लाइट की इंटेंसिटी कम है। अब इंटेंसिटी बेसिकली क्या है? इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इज वी विल से एनर्जी ऑफ लाइट पर मीटर स्क्वायर। लेट से मैं एक सर्कल बनाता हूं, इस सर्कल का एरिया मैंने कहा लेट से 1 मीटर स्क्वायर। फिर मैंने क्या करा, मैंने इस सर्कल पे ऐसा टॉर्च जला के ऐसा लाइट मारा, तो ये सर्कल पूरा चमकने लगेगा, हमें ये सर्कल चमकता हुआ दिखाई देगा, ओके, इस पे जब मैं ऐसा टॉर्च मारूंगा। लेकिन जब मून से लाइट आएगी और वो इस सर्कल पे गिरेगी, तो क्या ये सर्कल टॉर्च के कंपैरिजन में ज्यादा शाइन करेगा कि कम शाइन करेगा? सो वी विल से दिस सर्कल विल शाइन मोर इन केस ऑफ टॉर्च एंड विल शाइन लेस इन केस ऑफ मून। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मून के पास भले ही बहुत सारी पावर है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, लेकिन उससे आने वाली लाइट इस सर्कल पे जो गिर रही है वो लाइट बहुत ही कम है, वो लाइट की एनर्जी बहुत ही कम है। वो बहुत सारी लाइट रेडिएट कर रहा है, मून से बहुत सारी लाइट निकल रही है, लेकिन वो सब अलग अलग डायरेक्शंस में जाके बिखर जाती है।
लेकिन जो टॉर्च है वो क्या कर रही है, टॉर्च से निकलने वाली लाइट बिल्कुल डायरेक्टेड है, बिल्कुल फोकस्ड है और एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। तो टॉर्च की पूरी पूरी लाइट एक डायरेक्शन में मूव करती है और मून की लाइट चारों दिशाओं में हर जगह 360 डिग्री में बिखर जाती है। तो बिखरने से क्या होता है, मून से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी घट जाती है और टॉर्च से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, भले ही उसके पास कम एनर्जी है, टॉर्च के पास भले ही कम एनर्जी। लेकिन इस सर्कल को ज्यादा शाइन कौन करेगा, ज्यादा शाइन आई विल से टॉर्च करेगी और मून कम शाइन करेगा। तो हम कहेंगे कि मून की इंटेंसिटी कम है और टॉर्च की इंटेंसिटी ज्यादा है। ओके, सो दिस इज व्हाट बेसिकली नोन एज इंटेंसिटी। नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, दिस इज आई एस विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। व्हाट डज दिस मीन कि आई एस मतलब इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट? तो सिंपल शब्दों में हम ये कहेंगे, इन बेसिक टर्म्स आई विल से कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट का मतलब स्कैटरिंग ऑफ स्कैटर्ड लाइट। जिस लाइट में स्कैटरिंग ज्यादा होगी उस लाइट की आई एस ज्यादा होगी, जिस लाइट में स्कैटरिंग कम होगी उस लाइट की आई एस भी कम होगी। सो आई विल से कि स्कैटरिंग ऑफ एनी लाइट, स्कैटरिंग मतलब ये बिखरना, इस तरह से बिखरना, जितनी ज्यादा लाइट ऐसा बिखरेगी उतना ज्यादा हमें दिखेगा कि यहाँ पे ये स्कैटरिंग हो रही है, उतना ज्यादा ये लाइट की रेज इधर उधर निकल जाएंगी। सो आई विल से नाउ, इसमें एक बड़ा डिफरेंस जो हम देखते हैं, जब डस्ट पार्टिकल एक लाइट रेज के सामने आता है तो हमें डस्ट पार्टिकल दिखने लगता है, वो विजिबल हो जाता है। विजिबल कैसे होता है? विजिबल होता है बिकॉज इससे लाइट रेज टकरा के हमारी आईज में आती है तो हमें ये दिखने लगता है। और सेम केस फुटबॉल के साथ भी हो रही है, फुटबॉल भी दिखती है, क्यों? फुटबॉल से लाइट टकरा के हमारी आईज में आती है। तो स्कैटरिंग की वजह से भी हमें डस्ट पार्टिकल दिख रहा है और रिफ्लेक्शन की वजह से हमें फुटबॉल दिख रही है। अल्टीमेटली स्कैटरिंग होने पे और रिफ्लेक्शन होने पे क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट्स विजिबल हो जाते हैं? हम कहेंगे डस्ट पार्टिकल इज विजिबल बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, फुटबॉल इज विजिबल बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड डिफरेंस हमने अभी समझ लिया क्या डिफरेंस है। ओके, सो आई विल से यहां पे आई एस जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, जितनी ज्यादा लाइट स्कैटर्ड होगी उतना ज्यादा हमें अच्छे से ये डस्ट पार्टिकल दिखाई देगा। इस डस्ट पार्टिकल से जितनी ज्यादा लाइट टकराएगी उतना ज्यादा ये शाइन करेगा। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सी लाइट में ज्यादा स्कैटरिंग होगी या कम स्कैटरिंग होगी? तो आप दो इंस्ट्रूमेंट्स लीजिए, एक टॉर्च लीजिए और एक गाड़ी की हेडलाइट लीजिए। आप ये देखेंगे कि गाड़ी जब हेडलाइट चालू करते हैं, गाड़ी की हेडलाइट जब अपन ऑन करते हैं, सो हमें डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं, गाड़ी के जस्ट आगे थोड़े से डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। और आप टॉर्च जब ऑन करते हैं तो भी आपको डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं, लेकिन किस केस में ज्यादा डस्ट पार्टिकल दिखते हैं? हम कहेंगे लाइट जो हेडलाइट है, हेडलाइट के केस में हमें डस्ट पार्टिकल ज्यादा दिखाई देते हैं, टॉर्च में इतने नहीं दिखते। तो आई विल से कि हेडलाइट की लाइट ज्यादा स्कैटर हो रही है इसीलिए उसमें डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा दिखते हैं, टॉर्च की लाइट कम स्कैटर हो रही है इसलिए उसमें डस्ट पार्टिकल्स कम दिखाई देते हैं। सो डस्ट पार्टिकल्स दिखने का रीजन क्या है? स्कैटरिंग। जितनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी उतना ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे, जितनी कम स्कैटरिंग होगी उतने कम डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देंगे। दैट्स वाई ये इंटेंसिटी की बात करें तो आई विल से इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट आई एस विल बी मोर फॉर हेडलाइट एंड विल बी लेस फॉर टॉर्च। टॉर्च के केस में आई एस कम होगा और हेडलाइट के केस में आई एस ज्यादा होगा। ओके, एंड दिस इज प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, ऐसा नहीं है कि आप एक बार में आज ही टॉर्च और हेडलाइट चालू करके देखें और आपको दिखने लगेगा। इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल, क्योंकि ये लेबोरेटरी में परफॉर्म होते हैं सभी एक्सपेरिमेंट्स और उसके बेसिस पे फिर रिजल्ट मिलते हैं। सो हो सकता है आपको ऑब्जर्वेशन क्लियरली ना दिखने को मिले, हो सकता है, मे बी पॉसिबल। ओके, सो अब हम जानते हैं कि लाइट क्या है। लाइट एक वेव है, उसके पास फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, देन वेलोसिटी है। तो
तो रेलिग ने जो रिलेशन दिया, रेलिग ने इस्तेमाल किया उस लाइट का वेवलेंथ। रेलिग ने कहा कि किसी भी लाइट में स्कैटरिंग जो है वो डिपेंड करती है उस लाइट की वेवलेंथ पे। किसी भी लाइट में अगर स्कैटरिंग होगी तो वो स्कैटरिंग डिपेंड करेगी टोटली ऑन वेवलेंथ। जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतनी कम स्कैटरिंग होगी, और जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। सो आई विल से स्कैटरिंग इज मोर फॉर स्मॉल वेवलेंथ्स एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब जस्ट अपोजिट, स्कैटरिंग ज्यादा होगी अगर वेवलेंथ छोटी है, अगर वेवलेंथ बड़ी है तो स्कैटरिंग कम हो जाएगी। सिंपल, इस रिलेशन से हम ये बता सकते हैं। मतलब जिस लाइट रे की वेवलेंथ ज्यादा होगी वो कम स्कैटर होगी, जिस लाइट रे की वेवलेंथ कम होगी वो ज्यादा स्कैटर होगी। नाउ फिर रेलिग ने कहा कि नहीं, ये हर बार वैलिड नहीं है। क्यों? बिकॉज अगर मैं फुटबॉल रख दूं तो स्कैटरिंग तो होती ही नहीं है। फिर ये लाइट की वेवलेंथ कुछ भी हो क्या फर्क पड़ना है, डस्ट पार्टिकल रखूं स्कैटरिंग तभी हो सकती है। देन ही सेड कि ये रिलेशन हर जगह पे वैलिड नहीं है, दिस रिलेशन इज नॉट वैलिड एवरीवेयर, हर जगह पे वैलिड नहीं है, इसके लिए भी कुछ कंडीशन है। और इस कंडीशन को समझने के लिए हमने यूज करा इन पार्टिकल का। दिस फुटबॉल इज अ पार्टिकल, दिस डस्ट इज अ पार्टिकल, ये भी एक पार्टिकल है, ये भी एक पार्टिकल है। हम कहेंगे कि ये पार्टिकल जो है इस पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है, और दिस पार्टिकल डस्ट इसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है। तो इस पार्टिकल के साइज को हमने कहा एक्स, इस पार्टिकल के साइज को हमने कहा एक्स। साइज मतलब उसका डायमीटर, उसके डायमीटर को हमने कहा एक्स। सो लेट साइज ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एक्स। तो रेलिंग ने कहा कि दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली इफ दिस एक्स इज वेरी मच लेस देन लैम्डा। वेरी मच लेस देन लैम्डा का मतलब जिस वेवलेंथ की लाइट आ रही है उस लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन में दिस पार्टिकल शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, इस पार्टिकल का साइज बहुत ही कम होना चाहिए। लेट से मैं कहता हूं कि अगर 100 सेंटीमीटर्स वाली वेवलेंथ है, कोई लाइट आ रही है जिसकी वेवलेंथ 100 सेंटीमीटर्स है, हालांकि इतनी होती नहीं, 100 सेंटीमीटर्स बहुत ज्यादा बड़ी होती है और इस वेवलेंथ की कोई लाइट होती ही नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूं कि इस लाइट रे का वेवलेंथ है 100 सेंटीमीटर्स, और अगर पार्टिकल का साइज 1 या 2 सेंटीमीटर्स है, 100 सेंटीमीटर्स वेवलेंथ है और 1 या 2 सेंटीमीटर्स अगर इस पार्टिकल का साइज है, तो आई विल से दिस एक्सप्रेशन रेलिग स्कैटरिंग इज वैलिड। और अगर पार्टिकल का साइज इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ है, जैसे कि मान लेते हैं पार्टिकल का साइज 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, तो वेवलेंथ 100 सेंटीमीटर और पार्टिकल का साइज 75 सेंटीमीटर, सो आई विल से अगर ये कंपेरेबल है या पार्टिकल का साइज वेवलेंथ से बड़ा है, तो इस केस में रेलिग स्कैटरिंग इज नॉट वैलिड। रेलिग ने कहा कि ये जो एक्सप्रेशन दे रहा हूं मैं, रेलिग ने कहा जो एक्सप्रेशन मैंने दिया है वो एक्सप्रेशन तभी वैलिड है जब पार्टिकल वेवलेंथ से बहुत छोटा हो, जैसे कि डस्ट पार्टिकल। तो उसने कहा कि अगर आप इस डस्ट पार्टिकल पे लाइट डालोगे तो स्कैटरिंग होगी, लेकिन अगर इसी लाइट को फुटबॉल पर डाल दोगे तो ये रिलेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग होगी ही नहीं, वहां पे सीधा सीधा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ओके, सो रेलिग के अकॉर्डिंग ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और ये रिलेशन दोनों एक साथ अप्लाई होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते किसी विस को लेके चले और इसकी मदद से सॉल्यूशन कर दे हर चीज का, ऐसा नहीं है। ये एक्सप्रेशन के लिए कंडीशन है, यू नीड टू रिमेंबर दिस कंडीशन ऑल्सो। ओके, सो इस फिनोमिना के बेसिस पे, इस स्कैटरिंग के बेसिस पे हमने बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन किया। नेचुरल फिनोमिना जैसे कि ब्लू कलर ऑफ स्काई, कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है, या क्लाउड्स जो है वो व्हाइट क्यों दिखते हैं, या फिर सनसेट और सनराइज होते समय सन जो है वो रेड क्यों दिखता है, या फिर रेनबो क्यों फॉर्म होता है। ये चार पांच कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग नेचुरल फिनोमिना है जो कि बहुत कॉमन है, हम डे टू डे लाइफ में इन्हें रोज देखते हैं। हल्की सी बारिश होती है और सनलाइट निकली हुई रहती है, सनलाइट आती है तो आप कहते हैं कि नहीं बारिश हुई, धूप भी निकली है, मतलब रेनबो दिखेगा। तो कुछ लोगों को रेनबो दिखता है, कुछ लोगों को नहीं दिखता। ओके, और हम कहते हैं कि जो स्काई है वो तो ब्लू है, हर समय हमें ब्लू दिखता है, और क्लाउड जो है वो व्हाइट कलर के दिखते हैं। ओके, जो मून है, मून भी हमें व्हाइट कलर का दिखता है, क्लाउड भी हमें व्हाइट कलर के दिखते हैं, और सनसेट और सनराइज के टाइम पे वो रेडिश कलर का हो जाता है, फिर डूबते 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 वापस येलोइश सा दिखता है और फिर वापस रेडिश होके और डूब जाता है। सन का सनराइज होता है तो धीरे धीरे पहले रेडिश होता है, फिर ऊपर आते आते येलोइश कलर का दिखने लगता है, और फिर वापस डूबते समय वही फिनोमिना रिपीट होता है। तो ये फिनोमिना बेसिकली क्यों होता है उसको एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेलिक स्कैटरिंग। फर्स्ट आप इसे लिख लीजिए, फिर अपन उसे समझते हैं।